इस चटपटे लाजवाब ढाबे जैसे स्पाइसी टेस्टी छोले को देखकर सभी के मुंह में पानी आ जाता है। सो इसकी रेसिपी आज मैं शेयर करने वाली हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे ले रही हूँ मैं कढ़ाई में सरसों का तेल मैं यूज़ करती हूँ। इसके तड़के में मैं जीरा डालूंगी, सूखी लाल मिर्ची डालूंगी और कुटी हुई थोड़ी सी काली मिर्ची। यहाँ पे आप खड़े मसाले भी डाल सकते हैं। और फिर मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट और फिर ऑनियन डालूंगी और फिर हरी मिर्ची डाल करके यहाँ पे इसे अच्छे से भुनेंगे, हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। इन्हें हल्का हल्का चलाते हुए तब तक भूनना है जब तक ये तेल ना छोड़ने लगे। अभी मैं इसमें डालूंगी ये कश्मीरी लाल मिर्च, इससे बहुत अच्छा कलर आता है, थोड़ा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा हाफ टी स्पून ले सकते हो गरम मसाला। अगर आप खड़े मसाले डाल रहे हो तो आप इसको नहीं भी यूज़ करोगे तो चलेगा। यहाँ पे मैं ले रही हूँ छोले मसाले, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। उसको डालने के बाद वो आपको अच्छे से एक चम्मच भर के डालना है, उसके बाद पानी डालना है और फिर हल्का हल्का चलाना है तो बहुत अच्छा ये पक जाएगा और साइड साइड से आप देखोगे तेल भी छोड़ने लगा होगा। उसके बाद इसमें हम लोग टमाटर का पेस्ट यूज़ करेंगे, इससे बहुत अच्छी ग्रेवी बन के तैयार होती है और ग्रेवी में जो खट्टा सा टेस्ट आता है ना वो भी इसी से आता है, तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट लगता है। उसके बाद जब टमाटर का पेस्ट हमारा पक जाए तो फिर से नमक डाल के अच्छे से चलाएंगे और फिर इन्हें हल्का हल्का चला के अच्छे से भुनेंगे। आप देखोगे साइड से कितना अच्छे से ऑयल निकल रहा है, इसका मतलब हमारे मसाले जो है वो पक गए हैं। अब हम इसमें अपने उबले हुए जो छोले हमने रखे थे उसको ऐड करेंगे और उन्हें मिक्स करेंगे। अब हम पानी डालेंगे और इसे ढक देंगे कुछ देर के लिए, अच्छे से पकाएंगे। आप इसको कुकर में भी पका सकते हो, मतलब आप पहले मसाला भूनो, उसमें चने डालो और फिर पानी डाल दो तो सीटी लगा दो, अच्छे से वो भी बन जाते हैं। इस तरह से भी बना सकते हो, उस तरह से भी बना सकते हो, टेस्ट सेम ही रहता है। और इसे अच्छे से चलाएंगे, पकने के लिए छोड़ देंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है यार, देख देख के मुँह में पानी आ रहा, मन कर सारा खा लूँ, जल्दी से भटूरे मिले गरम गरम से और खाएं। अगर आप मेरी रेसिपी की चैनल देखते हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है और कमेंट भी नहीं करते हो तो प्लीज़ कर दो यार। और मैं बहुत सारे छोटे छोटे शॉर्ट्स में भी बहुत सारी रेसिपी छोटी छोटी सी शेयर करती हूँ, तो आप वो भी देखा करो, बहुत अच्छी रेसिपीज मैं शेयर करती हूँ। और ये देखो कितने टेस्टी लग रहे हैं, ओ माय गॉड। सो आप भी अपने घर पर बनाओ, शेयर करो, सबको खाओ खिलाओ। बाय बाय गाइज़।